नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज जैसा कि शिक्षक दिवस है और शिक्षक के बारे में सही कहा गया है वह कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद तक पहुंचने के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षक दिवस पर आज हम कुछ जो एक मुकाम पा चुके हैं उनसे ये जानेंगे कि उनके जो आदर्श रहे शिक्षक वह कौन रहे। तो मेरे साथ में हैं हमारे वरिष्ठ जेल अधीक्षक अलीगढ़ से बिजेंद्र सिंह यादव जी। तो सर आपका स्वागत है अमर उजाला डिजिटल में। तो जैसा कि सर आज शिक्षक दिवस है, तो आपके लाइफ में कौन ऐसा रहा शिक्षक जो कि आपको मोटिवेट जिसने किया और इस मंजिल तक पहुँचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सबसे पहले मैं अमर उजाला प्लेटफॉर्म को धन्यवाद करता हूँ और गुरु पर्व पर ये शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को देता हूं। और अपने विषय में अगर मैं सामान्य रूप से बताना चाहूं तो मेरे खुद के अपने सगे बड़े भाई साहब हैं श्री अरविंद कुमार सिंह, जो मेरे शिक्षक के रूप में ही मैं उनको अपना मानता हूं, उन्हीं को महत्व देता हूं और उन्हीं को पूछता हूं। तो सर अगर उनको आप किस तरीके से आदर्श मानते हैं कि पिटाई को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के या अनुशासन को लेकर के, किस तरीके? देखिए, जैसा कि सर्वविदित है कि जब आप छोटी अवस्था में होते हैं, आपकी उम्र कम होती है, तो आपके भविष्य को सेपअप देने के लिए आवश्यक जो है वो प्यार के साथ साथ पिटाई भी होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो वो समझाने की स्थिति में डांट के रूप में हो जाती है, और बड़े होते हैं तो आपके साथ में फिर दोस्त रूपी जो है व्यवहार प्रदर्शित करते हैं सब, और आपकी जो है भविष्य को निर्मित करने के लिए जो अनुशासन बनाए रखने के लिए युक्तियुक्त प्रबंधन होते हैं हमारे पारिवारिक रूप से, वो सारी चीज़ें आप पे वो अनुशासन लगाते हुए आपके भविष्य को निर्मित किया जाता है। तो आपके बड़े भाई साहब ने किस तरीके से मतलब आपको मोटिवेट किया? सामान्य रूप से यही है कि आपको किस दिशा में जाना है, अगर आप एक समय के बाद थोड़ा सा विसंगत होते हैं, निर्णय नहीं कर पाते हैं कि किधर की ओर मैं तैयारी करूँ या ये करूँ, तो उस समय उनके द्वारा ये चीज़ बताया गया कि जैसे कि मैं रिसर्च स्कॉलर था और फिर उसी ड्यूरेशन में रिसर्च करते हुए भी और तैयारी भी करना था सिविल की, तो ये चीज़ था कि मुझे दो में से एक रास्ते को चूज़ करना था कि मैं चीज़ों को बेहतर कर पाऊँ। दोनों चीज़ साथ में करते हुए मुझे भी विलम्ब हो सकता था, तो उस समय डायलेमा की कंडीशन में वो निर्णय किया गया कि नहीं, अगर सिविल की तैयारी करनी है तो आप सिविल की तैयारी प्रॉपर वे में करिए, ये चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं। और वो कहीं ना कहीं क्लियरेंस उनके माध्यम से मुझे ऐसा मिला कि हाँ, आप इस रूप में आगे बढ़ सकते हैं, और उसका परिणाम मुझे प्राप्त भी हुआ। सर्वप्रथम तो हमारी शिक्षिका माँ होती है, पर उसके अतिरिक्त यदि मैं बताऊँ कि जिनकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ, तो जब मैं प्राइमरी लेवल पर मैंने एजुकेशन प्राप्त की तो एक राजकिशन शर्मा सर थे, हमारे प्रिंसिपल थे, जो आर्मी से रिटायर्ड थे, और वो इतने डेडिकेटेड थे इसको लेकर के, अपने शिक्षण को लेकर के, कि वो उस प्रातःकाल, चूँकि अलग कहीं रहते थे, वहाँ 4 बजे उठ कर के और 5 बजे तक वहाँ से निकल जाते थे पैदल पैदल, वो कई किलोमीटर का सफ़र तय करके आते थे और पूरा दिन पढ़ाते थे, और उसके बाद वो शाम में जो इस स्टूडेंट इस स्थिति में नहीं थे कि अफोर्ड कर पाएँ ट्यूशन लेना, उनको निशुल्क वो कोचिंग भी अतिरिक्त इंग्लिश की दिया करते थे, और पूरा दिन वो इतना थक जाते थे, पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी हम लोग देखते थे कि वो सो जाते थे, जो कि नींद भी उनकी पूर्ण नहीं होती थी, पर वो उसके बावजूद पूरी लगन से प्रॉपर, चूँकि आर्मी से रिटायर्ड थे, फिटनेस के लिए वो एक्सरसाइज PT भी कराना, प्रेयर भी उस भाव से कराना और शिक्षण भी उस भाव से कराना, और वो जो उनके द्वारा वो हमारे में एक बीज डाला गया, अथक उनके प्रयास से जो बीज डाला गया, वो ही फलीभूत हुआ कि हम आज यहाँ तक आ पाए, और आज भी मैं, मेरे जहन में हमेशा जब टीचर का नाम आता है तो हमेशा मुझे वही दिखते हैं। देखिए, बहुत लंबा सफ़र तो ज़िंदगी का, और ज़िंदगी के सफ़र को आसान करने के लिए शिक्षक जो हैं, गुरु जो हैं, टीचर्स जो हैं, आपके असाज़ाए जो हैं, वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उसे सही आकार सही रूप देना एक शिक्षक के हाथ में होता है। और मैं उन खुशनसीब बच्चों में हूँ कि जिसके घर में बेटी भी आई तो 5 सितंबर को आई, यानी कि शिक्षक दिवस के दिन आई,
और मुझे कबीर जी का वो पंक्तियाँ कुछ याद आती हैं, गुरु गोविंद दउ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये अपने अपने आप में पूरी गुरु जो है उसका जो मान सम्मान जो है वो भगवान से बढ़ के उसके बारे में दर्शाता है। और क्या चीज़ है, अपने सफ़रनामे पे हम जब नज़र डालते हैं और अपने स्टूडेंट लाइफ में देखते हैं तो बहुत से टीचर्स हमारे ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, मगर बगैर कुछ करे बगैर कुछ कहे उन्होंने खड़े होके जो काम अंजाम दिया। मैं आपको एक किस्सा छोटा सा बताता हूँ। एक टीचर थी मर्सी कुरियन, हम क्लास सेवेंथ में थे और वो हमें सोशल स्टडीज़ पढ़ाती थी और जब भी देखती थी बहुत मुस्कुरा के देखती थी और पीठ थपथपाती थी। तो एक दिन मैं दौड़ा और मुझे बुखार था तो मैं गिर गया, तो मैडम पास आई, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें देखा है दौड़ते हुए और मुझे पता है तुम रिकॉर्ड बना दोगे, बुखार क्या हुआ। तो खैर उनकी इन बात ने एक रामबाण का काम किया हमारे लिए और फिर मैंने दौड़ लगाई और आप यकीन करेंगे कि टेंथ क्लास तक का मैंने रिकॉर्ड तोड़ा। दूसरी चीज़, उन्होंने इतना मोटिवेट मुझे किया, एक मैडम पिपलानी थी जो मैथ्स पढ़ाती थी, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं था, मेरा डिस्ट्रिक्ट रीजन में सिलेक्शन हुआ क्रिकेट में अंडर 16। तो मैं उनसे इजाज़त लेने गया कि मैडम मुझे ट्रायल के लिए जाना है, आप मुझे जाने देंगी तो रजिस्ट्रेशन होता है, तो उन्होंने कहा मैं एक शर्त पे जाने दूंगी, अगर तुम सवाल सॉल्व कर दोगे। ठीक। तो मैंने वो सवाल सॉल्व करने के लिए उनसे आधा घंटा मांगा और मैंने उनके सामने बैठ के वो चार पांच बार गलती करने के बाद अल्टीमेटली सॉल्व किया। उसके बाद क्या हुआ, मैथ्स के प्रति मेरी मतलब के लगन, मेरा कहना चाहिए मैथ्स के प्रति मेरा इंटरेस्ट जागरूक हुआ और मैथ्स मेरी बेहतर हुई। हमारे एक डेविड सर थे, एक रूपरेखा खन्ना साहिबा थी, इसके अलावा हमारे पास एक सिस्टर सेलेस्टीना थी कैथेड्रल में। इस तरह से कई टीचर्स ऐसे थी जिन्होंने बताया कि कहते थे यू हैव एनर्जी स्टोर, आपके पास टैलेंट है, तुम्हें कैपिटलाइज करना है, तुम्हें यूटिलाइज़ करना है। इनिशियली क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी मम्मी इंग्लिश मीडियम की नहीं थी तो इंग्लिश मेरे देखने वाले लोग नहीं थे घर में, तो एक टीचर्स थी रूपरेखा खन्ना साहिबा, उन्होंने मुझे जानते हुए कि मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, क्लास फिफ्थ में मुझे उन्होंने एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में मुझे चूज़ किया पांच बच्चों में क्लास में। वो कहती थी तुम्हारी आवाज़ जो है वो बुलंद है और तुम्हें थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करना है। तो मुझे याद है मैंने पहला टॉपिक जो चूज़ किया था वो टॉपिक था ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और क्लास में मैं और एक प्रभात जोशी था लड़का, हम दोनों के हाईएस्ट मार्क्स आए थे। तो इस तरह से वहीं से राहें हमने पकड़ी और ये कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ टीचर्स ने उनके देख रेख में, कॉपीज जिस तरह से देखती थी, जिस तरह से हमें स्पोर्ट्स के लिए मतलब के इनक्रेज करती थी पढ़ाई के लिए, और ये करंट इंड्यूस किया कि यू आर द बेस्ट। बच्चों के अंदर टीचर्स अगर ये इंड्यूस कर दे करंट तो हाफ बैटल इज़ वन। मैं आपके माध्यम से जितने भी आपके दर्शकगण हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं आपके चैनल्स को, उनको हम टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आज का दिन जैसे आपको मालूम है कि बर्थ एनिवर्सरी है आपके भारत रत्न डॉक्टर एस राधाकृष्णन के, जो एक एजुकेटर थे एक रिफॉर्मिस्ट थे, उनकी याद में हम दिन बनाते हैं और आगे बनाते रहेंगे। क्योंकि मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ तो ससैयस के इस प्रांगण में बहुत धूमधाम से ये जश्न मनाया जाता है। हमारा जब जन्म होता है तो हम एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं, हमें जो जीवन में शिक्षाएं मिलती हैं उसी के अनुरूप हमारा जीवन आगे का व्यक्तित्व तय होता है। हमारे व्यक्तिगत रूप से मेरे पिताजी टीचर थे तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उन्हीं के मार्गदर्शन में हुई। मैं जहाँ पढ़ाते थे मैं वहीं पर छात्र था, तो उन्होंने जैसे
अन्य बच्चों को पढ़ाते थे वैसे भी एक बच्चे की तरह मुझे भी पढ़ाया। और चूँकि हमारे ऊपर एक अतिरिक्त दबाव होता था कि हमारे पिताजी इसी स्कूल में टीचर हैं, तो हमको एक अनुशासित छात्र की तरह वहाँ रहना है, हमें उसी के अनुरूप पढ़ाई करनी है और हमें 100% बेहतर करना है, बेहतर देना है। क्योंकि हमारे पिताजी ही, जब हमारे पिता भी हैं और वहाँ टीचर भी हैं, घर पे हमारे पिता होते थे, वहाँ पे टीचर होते थे, तो हमें दोनों जगह सामंजस्य बैठाने की जो कला थी वह बचपन से ही ये सिखाई गई। और फिर वही जो एक नींव पड़ती है वही आगे बढ़ती है, फिर उनका आगे की जीवन में हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है, वो चाहे शैक्षिक हमारी जो यात्रा थी उसमें या तैयारी के दौर में, हमेशा संबल बना रहा, मार्गदर्शन मिलता रहा। इसके बाद जब हम एक व्यक्तित्व के रूप में हम इस जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, तो उसमें आज भी हम जब याद करते हैं उनकी शिक्षाओं को, हम स्मरण करते हैं, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि उनकी शिक्षाएं केवल अल्पकालिक नहीं थी बल्कि सर्वकालिक हैं। जितनी सत्य उस समय थी उतनी ही सत्य आज भी हैं, और मुझे आशा है कि वो आगे भी उतनी ही हमें मार्गदर्शन प्रदान करती रहेंगी। जब हम जीवन के और आगे बढ़ते जाते हैं, जीवन की चुनौतियों से लड़ते हैं, तो यही सीख हमें आगे बढ़ने का उत्साह देती है, मार्गदर्शन करती है। बेटा आपका नाम क्या है? आयजा खान नाज पीरजादा। तो आपका तो आज 5 सितंबर को जब शिक्षक दिवस है, आपका बर्थडे भी है जी, तो आपका जो कोई टीचर है जो मतलब आपके जहन में है, जो आपको बहुत लायक है, तो उनको कौन है? जफरीन मैम और हसन सर। अच्छा, क्या कहेंगे आप शिक्षक दिवस पर, टीचर्स डे पर क्या कहेंगे? हैप्पी, सबसे पहले मैं सबको हैप्पी टीचर्स डे बोलूँगी, और जो मेरी सबसे डियरेस्ट टीचर हैं जफरीन मैम, उन्होंने ग्रेड 3 में भी मुझे पढ़ाया और ग्रेड 5 में भी पढ़ाया, और हसन सर अब मुझे ज्योग्राफी पढ़ाते हैं जो बहुत ही मुझे मज़ेदार सब्जेक्ट लगता है। अच्छा, इन ये टीचर आपके मतलब फेवरेट क्यों हैं, क्या अच्छा लगता है इन टीचरों का, पढ़ाना अच्छा लगता है, अनुशासन डिसिप्लिन अच्छा लगता है या कुछ और बात? पढ़ाना अच्छा लगता है। पढ़ाना यानी कि जो इनके पढ़ाने का ढंग है वो समझ में आता है जी। क्योंकि मैं इस विद्यालय का छात्र भी रहा, फिर यहाँ पर मैंने शिक्षण कार्य भी किया, और वर्तमान में मैं प्रधानाचार्य के रूप में इस संस्था में हूँ, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने सहयोग भी दिया, आशीर्वाद भी दिया और मार्गदर्शन भी दिया, ऐसे परम आदरणीय हमारे शिक्षक विधायक माननीय जगवीर किशोर जी जैन, जो उस वक्त जब मैं स्टूडेंट था तो वो मेरे प्रिंसिपल थे और हिंदी भी पढ़ाया करते थे हमको, तो मुझे आज भी याद है कि उनका, वैसे तो वो बहुत व्यस्त रहते थे लेकिन वो जब भी पढ़ाते थे तो या तो समय का कोई सीमा नहीं थी, और जो भी पढ़ाते थे वो हर स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आता था, तो उनको मैं आज याद करता हूँ, उनको मैं अपना शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि वो दीर्घायु रहें और इसी प्रकार हमें आशीर्वाद देते रहें। दूसरे नंबर पर एक हमारे डॉक्टर बी के माथुर जी थे जी, बहुत प्यारे टीचर थे, मतलब उनका जो स्नेह था बच्चों के प्रति और बहुत समझाने का बहुत सरल तरीका था, तो डॉक्टर बी के माथुर को भी मैं आज याद करता हूँ, वो भी मेरे बहुत अच्छे शिक्षक थे। और डॉक्टर जगदीश जी तो वाकई में एक सिद्धांत उनका अलग ही था, लेकिन पढ़ाने का तरीका उनका इतना सुंदर था कि बच्चा ना चाहते हुए भी समझ जाता था, क्योंकि उनका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो ऐसे टीचर्स आज बहुत ज़रूरत है, और शिक्षा क्योंकि एक ऐसी आवश्यकता है समाज को कि शिक्षा के बिना समाज सुधर नहीं सकता, तो मेरा मानना यही है कि हम शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, जिससे एक अच्छे समाज की रचना भी हो और समाज बहुत बेहतर बने और देश प्रगति करे, क्योंकि आज हमारा जो शासन प्रशासन है वो भी शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक है, तो मैं सभी का सहयोग के साथ शिक्षा को सर्वोपरि मानते हुए अपने सारे शिक्षकों को जिन्होंने हमें पढ़ाया है, मैं उनको नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।